नाम मैरी मेलन है। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज मुझे एक नौकरी मिल गई है, एक कुक की। मैं वैसे तो आयरलैंड की हूं लेकिन नौकरी की तलाश में अमेरिका शिफ्ट हो गई हूं। लोग कहते हैं कि मैं बहुत गुस्सेबाज और चिड़चिड़ी हूं, लेकिन यह कोई इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं। जितनी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैं जिसके घर भी खाना बनाती हूं वो न जाने क्यों बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है और अक्सर मर जाता है। मैं मैनहट्टन के एक नर्सिंग होम में एज अ कुक काम कर रही हूं, लेकिन न जाने क्यों यहां सब बीमार पड़ रहे हैं टाइफाइड से। अच्छा होगा मैं ये घर छोड़कर भी चली जाती हूं, हमेशा की तरह किसी नए घर की तलाश में। आजकल मैं एक लॉयर के घर काम कर रही हूं, लेकिन ये लोग ठीक नहीं हैं। इनके परिवार में 11 में से 10 लोग बीमार पड़ चुके हैं। इतने बीमारों के बीच मैं नहीं रह सकती, तो मैं उन्हें बिना बताए उनका काम छोड़कर आ गई हूं और एक नए घर में कुक लग गई हूं। लेकिन इस नए घर के भी 8 में से 7 लोग बीमार पड़ गए हैं और इतने बीमारों में से बहुत से लोग मर रहे हैं, पता नहीं क्यों। मैं तो एकदम बढ़िया खाना बनाती हूं, ये सब क्या हो रहा है? मैं एक नए घर में कुक लगी हूं। ये जो मेरा नया घर है इसका मालिक बहुत अमीर है, पक्का मेरे को बहुत बढ़िया तनख्वाह मिलेगी। यही सोचा था मैंने, लेकिन इस घर में भी वही हुआ जो हमेशा होता है, बीमारियां और मौतें। मैं बिना बताए समीर परिवार का भी काम छोड़कर भाग गई, लेकिन मेरे अगले 3 घर भी सब बीमार हो चुके हैं। मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैं तो साफ सुथरा खाना बनाती हूं। ये लोग मुझे जबरदस्ती पकड़कर कहां ले जा रहे हैं? ये लोग सोच रहे हैं कि मैं कई मौतों की जिम्मेदार हूं। इन्होंने मुझसे कहा था कि अपना टेस्ट करवाओ, लेकिन मैं क्यों करवाऊं अपना टेस्ट जब मैं बीमार ही नहीं हूं? और ये कहते हैं कि हाथ धोकर मैं खाना नहीं बनाती। हाथ धोकर खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है, जिसको मरना होता है वो तो मरेगा ही। लेकिन शायद अब सबको मेरा ये राज पता चल गया है। मैं जहां भी खाना बनाती हूं वहां सब बीमार पड़ जाते हैं और कुछ मर जाते हैं। मुझे ये लोग एक कार में कहीं ले जा रहे हैं। मैंने ड्राइवर से पूछा तो उसने कहा कि वो मुझे एक सुनसान टापू पर छोड़ देगा, और उसने बोला, मैरी सबको पता चल चुका है तुम्हारी हकीकत क्या है। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो बोला, तुमने न्यूयॉर्क के जिस अमीर परिवार में काम किया था वहां के मालिक ने उसके घर में हुई बीमारियों का पता लगाने के लिए एक सैनिटरी इंजीनियर को बुलाया। हर चीज का टेस्ट करने के बाद उस इंजीनियर ने बताया कि गड़बड़ का कारण और कोई नहीं तुम हो मैरी। तुम्हारे शरीर में टाइफाइड का एक ऐसा जानलेवा बैक्टीरिया है कि तुम जिस चीज को भी छुओगी वो चीज इन्फेक्टेड हो जाएगी, लेकिन वो बैक्टीरिया तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। 3 साल हो चुके हैं मुझे इस टापू में रहते हुए, लेकिन आज बहुत खास दिन है। खबर आई है कि न्यूयॉर्क स्टेट मुझे रिहा कर रही है, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है, मैं कुक का काम कभी नहीं कर सकती। मैंने कुछ टाइम काम किया लॉन्ड्री का, लेकिन सैलरी बहुत कम थी तो मैं भी क्या करती। मैंने अपना नाम बदलकर मैरी ब्राउन रख लिया ताकि कोई मुझे ट्रेस ना कर पाए, और दोबारा से मैं कुक का काम करने लगी। पिछले 5 साल में मैंने जिस भी घर में काम किया सब बीमार पड़े और बहुत मर गए, लेकिन मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। मैं नहीं छोड़ सकती ये काम। मुझे एक वीमेन हॉस्पिटल में खाना बनाने का काम मिला है, मैंने जॉब के लिए हाँ कर दी। मैंने कुछ टाइम वहां काम किया, लेकिन मुझे फिर से भागना पड़ा क्योंकि लगभग 25 लोग और बीमार पड़ गए। किसी को मेरा पता ना चले इसीलिए मैं दोबारा भाग गई। न्यूयॉर्क हेल्थ डिपार्टमेंट को दोबारा टाइफाइड की खबरें मिलने लगी और आखिर उन्होंने मुझे ढूंढकर पकड़ ही लिया और वापस उसी सुनसान टापू में भेज दिया।
अपनी लाइफ के आखिरी 21 साल मैंने यहीं बिताए और मैं यहीं अकेले रहते रहते आखिर 1938 में मर गई। ये थी मेरे जीवन की कहानी। लोग मुझे नफरत से टाइफाइड मैरी कहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सरकार ने मेरे साथ इंसाफ किया? मुझे इतने साल मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। टाइफाइड का कोई इलाज नहीं था उस जमाने में। इससे ज्यादा लोग तो शराब पीकर मर रहे हैं, लेकिन सरकार क्यों नहीं करती शराब बंद? मैं तो बस अच्छे से अच्छा खाना बनाकर सबको खिलाना चाहती थी। खैर, मैं तो मर चुकी, लेकिन मेरी कहानी सुनाने वाले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे जैसे न जाने कितने अजीब केसेस पर रिसर्च कर ये चैनल आपके आगे रखता है, जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।